श्री सोलंकी राव की जय हो, उदासीन महाराज की जय हो। प्यारे सजनों, दादू जोशी वेद पुराण ले गए और कचड़िया को मैंने आ जावे तो ठाकुर गोविंद सिंह कहने लगे, अरे दादा खोलो थारा वेद पुराण और वेदा की वार्ता मैंने बताई। दादो जोशी कहने लगे, ए ठाकरा आप भी बिराजो और बुआ जी ने कहे आप भी बिराजो, कंवर की माता साहब भी बिराज जावे। तो दादो जोशी अपना वेद पुराण खोल गए, कहने लगे ए ठाकरा आशा नखत्रा कंवर जन्म्यो, अरे आशा कैसे दिनी, ए ठाकरा जन्म गो इंगो शिलो को कंवर नाम है, अरे शिलो को कंवर के गई बतलाया महाराज, शिलो को कंवर इनके के बतला जो बहुत अच्छे नखदरा जन्म है, अरे अच्छा इंगा दिन बार है। ठाकुर गोम सीखने लगे, महाराज बहुत बढ़िया बात है, आप आगे का नखत्र और देखो दिखाने। तो श्री जोशी जी महाराज वेद पुराण पन्ना बिरोड़ के देखने लाग रहा, तो बाने वेदा का मायने मांगे काली कलम है जिकी पे, दादे जोशी काली कलम पड़ी और दादे जोशी के नेणा का मायने नीर आई। सजनों कचड़ी के मायने बैठा निर्णांग मायने नीर आयो, झुर झुर जोशी रोन लाग जावे। ठाकुर गोविंद सिंह देख के बोले, दादा मारे तो अट सुबह को काम है और थे अट आंसू ढड़काओ, ये महाराज बात के बजांगी है। दादो जोशी कहने लगे, ये ठाकरा के बताऊ, बोले महाराज बात है भी सी बताओ। बोलो ठाकरा, ये महाराज मारू कयो को जावे नहीं। बोले क्यों, कारण के है, ये कारण कौन कयो जावे इसी के बात है। दादो जोशी कहने लगे, महाराज बात बहुत अटपटी है। बोले क्या, बोले महाराज मारू एक लफ्ज नहीं निकला है। अरे तो दादो जोशी रोन लाग जावे, वेद ने पड़ गए। ठाकुर गोम सिंह कहने लगे, महाराज बात है भी सी बताओ। बोले इया कौन बताओ नहीं, बोले तो बोलियो महाराज पहला मन थे वचन दो। बोलियो क्या गो, बोलियो कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो थे मन सजा नहीं दो। बोलियो जाओ कोई सजा नहीं है, ताने जाओ वचन है। तो ठाकर गोमन सी दादा जोशी ने वचन दे देवे, तो दादो जोशी वचन ले गए। ठाकरा ने किसी वाती से बात बतावे और के आगे की लीला बनी। अरे ठाकुर सुन लो रे मन डाली रे मेरी बार तारे, एक मंदे सिंगे लगी 18 सालांगी
सुन लियो मनणाली रे बाारी तारे बड़ी उड़ारे रावण जी राज भी रावण सुन लियो रे मनणाली रे मेरी बाारे बड़ी उड़ारे रावण जी दादा जोशी बोल रे गोविंद श्री महाराज की निरंजन बाबे की। हाँ तो प्यारी सजनो दादो जोशी निर्णांग महीने नीरव आवे तो गोविंद सिंह कहने लगे महाराज मैंने साची बात बताओ के बजा की बात है मैं तो महाराज इतनी खुशी मनावा अरे खुशी कोई काम है अरे थे आटे नेणा नीर बो महाराज जचे कोनी मने है जिसी बात बताओ की बजांगी बात है तो दादू दे के बोलिया ए ठाकरा ओ कौर जन्मे नी थोड़ा दिन आगी कही जे इंगी ओ सचा और थोड़ा दिन आरो है जोग
ठाकरा ओ जो कम रहो है इंगी 18 ही वर्ष ओस क्या है 18 वर्ष ओस था के बाद में ओ दरगाह सीधावे गो राम की। प्यारे भगतनो समेरी बात ही ठाकुर गोविंद सिंह हो मुखड़ो उदास हो जावे ठाकुर गोविंद सिंह गण लगे हे दादा आज की कल में नी आथे टाल दियो एथाने मुंह मांगियो तानी दादो जो सिंह गण लगे भाई ठाकरा ए है जे मारे हाथ की लिखियोड़ी है नी तो मैं टाल दियो अरे विदा ता का टेवा मारे ऐसे टले ही ई महाराज आ कोई मारा हाथ की थोड़ी लिखड़ी है जी हाथ की लिखड़ी बनी तो मैं टाल दूं। ठाकुर गोविंद सिंह कहने लगे दादा अरे मुंह मांगियो थाने देऊ दान और आदो देऊ गदी को वेषणो और आदो चरण वासी ई महाराज आज की सारी डोली है थारे नाम लगा दे छू आ कलम के डाल दो। दादो जो सीधे के बोलया ठाकरा जे ब्राह्मणा की आत्मा होती तो ए आ पड़ान थोड़ी मोड़ देता अभी दादो पर दादो बैठे रहे होता लेकिन महाराज ए विदाता का टेवा है इंग मार राई कटे ना तिल है। तो ठाकुर गोविंद सिंह जी महाराज दादा ने कहने लगा दादा कोई उपाय तो बता दियो। अब दादो जो सी ठाकुर गोविंद सिंह के भी ये ठाकरा दो उपाय है अगर थे करो तो बोले कौन सो महाराज बोले उपाय वो है को कौन रहे जको एवड़ ल्यावेगो थे एवड़ ने ल्याग दियो जे एवड़ ल्या दियो तो नाडी खानी मत ना जे ओ एवड़ ने के नाडी में चले गयो तो महाराज इंगी नाडी के मायने वार्ता लिखड़ी है और पेणे से लिखड़ी है ये महाराज ये दो उपाय है अगर थे करो तो ये तो काम कर दियो इने नाटी मत ना जान दिया। तो ठाकुर गोविंद सिंह कहने लगे महाराज ठीक है इने एवड़ी कोनी ल्याग देवानी तो सारी बातचीत करे तो दादे जोशी ने रिपियो रोक दे देवे और अचित्रिया सिर पर पागड़ी बना देवे अरे डोली जिगी कालर खेद गई बाजोशी के नाम लगाई आचो दादे ने रकिनो दे देवे दान दक्षिणा दे देवे तो दादो तो चले जावे। अब सजनो कंवर साहब 4-5 वर्ष की औसत है मया तो बन स्कूला पढ़वाना लगावे तो कंवर साहब ने स्कूला भेजे तो 3-4 दिन तो गया फिर कवि की कल्पना है माने गीता को ज्ञान है जको आई जे मास्टर बार खड़ी लिख देवे नी तो वे भी अगले लेन दी गए दिखा दे क्यों सारो गीता को ज्ञान आ गयो। अरे बे तू भगवान के घर से आईड़ा एक दिन के समय में सकुला से वापिस घर आवण लाग रिया कौन सिद्ध जी महाराज तो रास्ते के मायने छोटा छोटा गाया का ग्वाली एवड़ का पाली मिली एवड़ के पाड़िया के सागे बातां लागे है बोले पाड़े हो मारी बात सुनो पाड़े देगा बोले बोलो काको सा ये बुजांग की बात है बोले भाई थे एवड़ चराओ इंगमा की तो आनंद है बोले महाराज आनंद बहुत जबरो है बोले क्या बोले आचित्रिया तो एवड़ चरावा कोई केवण नाड़ो और कोई सुन नाड़ो आसा उजले दुरे पर खेला रजत भूख लाग जेनी तो गादू के गया सगरा खां अच्छी उजली दूधली खीर बनावा और अच्छी दरिया दोरे पर मोजी प्यारे भगत सुनो समेरी बात ही
श्री भूदो सिनवारा एवड के पड़या ने केवे तो पड़यो मन ही थार सके मिला लियो बोले मिल जाओ काकू सा आशा पा उजले धोरे पर खेल छा अरे आसी मोजी तो श्री भूदो सिनवारा एवड के पड़या ने सके लाग जावे तो कवि केवे ना संगति से शायरी रे और लोहा तिरंती बुझाए ओची संगति घर शब्द घटत घटती घट जाए सजनो संगतियो शायर तिरिया करे अगर आसी संगति करसी बिना तो भाई आछाई फली पासी पर जे बुरी संगति कर ली तो बिना बुरा नतीजा होवेगा तो कौन साहब ने पाड़िया की संगति लाग जावे वो कवि कहे ना एक माता एक पिता एक धुनी तापता अरे मात पिता का दोष नहीं संगत का फली माता पिता को संगति के मायने कोई दोष नहीं है तो कंवर साहब ने भेजे तो स्कूल अरबे करे के गांव दिन दिन अच्छा एवड के पाड़िया सके खेले अरे जब छुट्टी को टाइम हुआ जे ना वापिस घर नहीं एक दिन के सवेरे मायने कंवर साहब की माता कंवर साहब ने देख ले भाई और कंवर साहब ने बुलावे बांदी ने भेजे के बांदी आप जाओ और कंवर ने बुला गई माता महल पर खड़ी देखने लाग रही ले भाई जका दादे बताया नी जोशी जी बे सागी सागी पाउंडा धरण लागी इन क्यों एवड के एवड तारे को अरे ओ एवड के पड़े सग पाता लाग रही भाई तो जननी की काया कड़पे बा बांदी ने भिजवा गए कंवर ने मेलांगा मैंने बुलावे और के आगे की लीला बनी जावे भाई भाई ए पांदी मेरी सुन मननाली मेरी पारता तू सुन ले मेरोड़ी बात पांदी सुन मननाली मेरी पारता सची रे बात पिटारे कठरी लगाई इतनी मारता रे हाँ के दे मन नाली मेरी बात पिटारे के बजारी की मारता रे तो कंवर साहब आपकी मां ने कि भी माता
ओ माता मेरी सुन मनन वाली मेरी माता, हां बोले यो बादी लो क्या कहवे कोई सुन मनन वाली मेरी माता। अब माता जननी सुन के गवरी सारी वार्ता, मन में रही घबराय माता रे सुन रे गवर की वार्ता। सागी सागी पावा परने लाग गयो है, ओ बेटा मेरा सागी सागी परयो पावडा, तू मारो के ओडो रे मान लाला मेरा सागी सागी परयो सुन लियो ध्यान लगाए राम जाने भूली रे चुकी रे माफी दे जा। बोल भगता श्री महाराज की जय हो, बोल सिद्ध छोड़ की राव की जय हो। सजनों समेरी बाती अरे माता जननी ए भाई कंवर सने एवड़ के पड़ा के खन देखे तो माता मन के मैंने बहुत घबरावे। बोलो जका जका ब्राह्मणा बताया नी बे सागी पाउंडा भरन लागी जावे करा के बांदी ने भिजवा दे कंवर ने बुलावे। बांदी जाग के वे कंवर सा थाने थारी माता सा बुलावे रंग रावले। कंवर सा आ गए माता जी के चरणों में शीश निवारियो। ए भाई बोलियो माँ के बजा की बात है किया माने आवाज लगाई किया बांधी भिजवाई। माता कहने लगी बेटा तू मनिया बता इतनी देर कठ लगा दी अरे छुट्टी हो इन तो बहुत बार होगी तू टेम बहुत लगाई कठ रुक गयो। कंवर साहब कहने लगे हे माता थाने साची बात बताऊंगी। बोले हाँ। बोलियो माता मेरी एक छोटी सी मांग है। ये माता मन एक छोटो सो खिलौनो दे दियो। बोलियो क्या गो बेटा तू मांग तेरे लिए हाजिर है क्यों श्रोमणी संतान ही बहुत सिद्ध। तो माता कहने लगी बेटा राजा को लड़को हो गए तो गिड़गिड़ावाया बात अच्छा को नहीं। बोल बेटा कैसी चाहिए तने। तो बहुत सिद्ध देख बोलिया माता मेरी एवड़ में सुरसान लागी है मने या करो एवड़ लिया दियो। अरे एवड़ी में चराचा तो माता जननी कहने लगी बेटा अरे एवड़। बोले हाँ। बोले नहीं बेटा एवड़ तने कौन मिले दी। बोले क्यों माँ। बोले बेटा जका ब्राह्मणा बताया नहीं बे तू सागी पाउंडा भरे। बोलो ब्राह्मणा के बताया
बोले नहीं बेटा और चीज मांग ले, ओ धन ने मांगो कोई आपनो, ए उड़ चराने को काम थोड़ी है, तू आ चित्रिया स्कूल आ जाया कर, आ चो पढ़िया कर, आ चो लिखिया कर, ओ काम तो आपनो कोनी। बोले नहीं माता मन एवड लिया दे, तो कंवर साहब हाट पकड़ ले, तो रानी साहब ठाकुर गोमन सिंह ने मेलांग में बुलावे। बोले ठाकरा ओ थारो बादिल वे नी अने लोरता तकड़ी बहुत पकड़ रखी है। बोले क्या गी? बोले दही भूज लियो। तो ठाकुर गोमन सिंह के बोले बेटा कैसे ये तने? तो कंवर साहब देखा, बोले हे माता मेरी माँ तो नटकी है, वे तो लिया के देवे को नहीं थे तो लिया के देशोगे। बोले बेटा जरूर तू मांग तो सरी। बोले ओ हे पिताजी, ए उड़िए में सुरता मारी लागेगी, तो ए उड़ खरीदा मुंगई। तो ठाकुर गोमन सिंह कहने लगा, हे बेटा आ चीज ने मांग। बोले क्यों? बोले बेटा तू अभी पढ़िया कर लिखा कर, एवड चराना हूं ठीक नहीं है। तो ठाकुर गोमन सिंह बादिले ने समझावे किसी वहां से, अरे कोरी कापी लिया दियो लाला पाटी पर तो लिया दियो, कोरी कापी लिया दियो लाला पाटी पर तो लिया दियो, अरे सखुला ने पटे वहां जाओ लाला मेरा रे, जाओ सखुला ने जाओ रे, कोई पढ़ने में मने डोल गाले बेटा मेरा रे, लगा लो लाला मेरा रे, पढ़ने जाओ रे। तो बादलों कहने लगे हो कंवर की माता सा कहे, बेटा तू सखुला सा एवड में की कोनी पढ़े हो? तो कंवर के ए हो मने जांगियो सीधा त्यो माने लगे जो तेरे वाद्यो, जांगियो सीधा माने लगे जो तेरे वाद्यो, माने मारी लकड़ी के गुबरी अलग वादे बाबा मेरा अलग वादे, ए वड़ियो से नाऊ लारे मारी लकड़ी के गुबरी अलग वादे माता मेरी अलग वादे पर तो लिया तू तोरी कापी ले ले लाला पाटी पर तो ले, अरे पढ़ने में मने डो ले गाले बेटा मेरा रे गाले, अरे पढ़ने में मने डो ले गाले लाला मेरा रे गाले, ये पढ़ने में जाओ रे। ओ ये पोते रोटड़ी मेरी पानी की भर दे लोटड़ी, ओ ये पोते रोटड़ी पानी की भर दे लोटड़ी, मैं तो किल लिए की साया में तू जी मुंह माता मेरी ये खाओ ये वड़ियो चलाओ, अरे किल लिए की साया में तू खाओ ये वड़ियो इसी वादी से ही कमल आपके माता पिता ने कहे तो आगे दिखान कमरो गोमन सिंह का किसी वंश से बोल सवाल हुए पर की आगे की लीला बड़े भाई। प्रिय श्रोतो श्री सिद्ध सोलंकी जी महाराज आपके पिता गोमन सिंह ने कहे, ये पिताजी माने थे या करो रेवड़ ले आ दियो, अरे एवड़ में मारी सुरते से की लागी है। गोमन सिंह कहने लगे, बेटा अन मांग ले धन मांग ले हाथी मांग ले सिंह मांग ले, लेकिन एवड़ को नाम डाले वा वीवा, ए बेटा एवड़ चरणे को काम आपनो कोनी। श्री बहुतो सिद्ध महाराज हट पकड़ लेवे, तो वो कवे ना तिरिया हट राज हट
बाल हट खराब होया करे तो श्रोमणी संतानी बहुतो सिद्ध महाराज श्री नरेंद्र हाँ गोमन सिंह जी मन में सोचो के भी लाल है ठीक है रेवड़ ले आद्या पर ताजाया के योग नाटी खाली को जान देनो ठीक है बिना पर को जान देवा अटाटे चरा ले सी तो श्री बहुतो सिद्ध महाराज छोटी ओस क्या करे मई नहीं आपके पिता ने किसी वादी सिंह कवे और क्या पिता गोमन सिंह एवर एवर ले आगे देवर की अपनी राम सभा सुन भी अरे एवड़े चरौरी बाबू सा बकरिया चरावा बकरियां चराउनी मैं तो बकरियां चरावा हां पिता जी रे बकरियां से रावा अरे रे वड़ी मैं सुरता मारी लागी हो Hey!
सोलगियों में गारे मैं तोरे सोलगी गारे अरे सोलगिया री मैं वो सुना बोल सिद्ध सोलगी राव की जय हो बोल बहुता सिद्ध महाराज की जय हो। प्यारे सजनों समेरी वादी ठाकरी गोमन सिंह ने कंवर सा हट पकड़ लेवे बार बार गेवन लाग जावे तो ठाकरी गोमन सिंह मगरे में जागे और कंवर रह सागे ले जागे रेवड़ खरीदे तो जागे कंवर ने कहे कंवर हो जकी चोकी चोकी लगनी में तेरी है हे सोनी सोनी टाल ले अब कंवर साहब करियो के काम टाल टाल के भेट ले आवे और मोड़े पर भर के गेडियो अरे भेट के बिचाले क्यों ना चारणवासी चालता गांव में आई जावे चारणवासी गांव में आ गए मैल गया एक मोटो खिजड़ो पी खिजड़े तले एवड़ ने जो को बिठाई यो तो माता बठियानी मेला पर खड़ा देखने लाग रहा मन में सोचा के भी जोशी बताया जका सागी सागी पाउंडा धरण लागी यो तो माता बठियानी की काया कड़फड़ लाग जे वा भगवान वा लाल दे गई पाचो खोसी तू मन खाए क्यों जोशी जी की बताईडी बेदांगी बात बिमु अजय तक कोई राय गटिना जोई बदे है तो बठियानी देगा बोली ये कमर तू इन्हें आ जल्दी सी तो कमर साहब माता बटियाणी के नावे आगे चरणा में शीश निवाई बोलो माता किया बुलाई भाई माता कहने लगी बेटा ते मारी तो बात कोने राखी चलो ठीक है रेवड़ तो ले आयो लेकिन एक नेम पालना उसी तरह बोलियो किसो बताओ बोलियो नेमो है क्या तेरे लिए तीन दिशा खुली है आज की नाड़ी की दिशा है ना इमा मत ना जाइए बोले क्यों आ बोले हे बेटा नाड़ी में जानो ठीक हो नहीं नाड़ी बरजोड़ी है ब्राह्मणा की हे बेटा जद मन पतो चाल गयो भी नाड़ी में जावे को तो तेरी माँ का प्राण है जकानी श्री क्यों सजनों माँ एक माई हुए माँ की ममता बहुत न्याजी हुए अपने संतान के प्रति जितो माँ को मन हुए उतनो की कोई नहीं हुए माता कंवर साहब ने कहे बेटा ई नाडी की दिशा इमा मत ना उड़ जाई और तेरे लिए तीन दिशा खुली है तो सजनों कंवर साहब को ठीक है माता तो एक दिन का समय भी रेवड़ नहीं कई दिन तो मेला बार बार ही चलायो एक दिन मन में सोचो चलो अपना धुरा चाल छ अरे संग साथे ने सागे ले गए और क्या दिखाण कंवर साहब संग साथे ने ले गए धुरांगा मायने रेवड़ ने टोरे और क्या माने बाबू निरंजन नाथ मिले और की आगे की वार्ता बनी जलाए वड़ो ओरी ओरी
भारत तारे ब्रह्म तोड़ा रहे सरे जी।
समय की बात है, श्री बहुतो सिद्ध महाराज छोटी सी गोष्ठी में भी कई दिन विद्यमान हो जावे। मन में सोचो अपा एवड में तो लिया या, लेकिन कदी दोरिया पर खेलन दिया ही कोनी। आ चला तो एवड ने वन खंड के मार्गा क्यों ने लगाई। तो कंवर साहब दोरा दोरा फिरे खेल तो अरे वंशी बाजे द्वार काले मुखरे मैंने वंशी ले गई और दोरा दोरा एवड़ के बीच में खेल तो फिरे बहुत आनंद उत्साह करे। तो सजना समय की बात ही बाबू नरंगना मन में सोचो अफा साला और कंवर के खने कंवर साहब ने बात बता गई। प्यारे भगतों समय की बात है, दरगाह से सांवरियो साल है भगवा भगवा वस्त्र धारण करके हाथ के मायने जति की माला ले गए और जल की जारी हाथ में ले गए। पगला में खड़ा हुआ चंदन काठ का पैर गए और कह रहे मजीम जीम जीम चाली जटे श्री बहुतो सिद्ध महाराज रेवड़ चरावण लाग रहा बटे क्यों ने आई आगे उनसे धोरिये पर बैठ जावे। धोरे पर बैठ गए इन्हें कंवर साहब खेलन लाग रहा
तो खेलता खेलता ना बान के जबरी प्यास लागी। इन बिन देखे तू पानी की तलाश करे तू पानी बाने मिले ही। प्यारे सजनो श्री वो तो सिद्वारा निरंजन बाबा ने देखे तो मन में सोचो बे मराची है मांगने पानी लाची तो वो बटू आवाज लगाए बाबा जी ओ बाबा जी हे महाराज मेरो तीस मरता को जी जावन लाग रियो है थारकन थोड़ो पानी मिल सीगे तो बाबू निरंजन नाम दे गए बोले बेटा इन्हें आतन पानी पासू सारो की पासू तो मेरे कन आ तो सही हां गन्ना हो मेरा तो सजनो श्री बोधो सिद्वारा आगे चरणांग मैंने शीश नुआ दे बोलियो महाराज बहुत जबरी प्यास लाग रही है आप माने पानी पाओ तो बाबू निरंजन नाम कौर साहब ने झारी देवे बोले ले बेटा तेरी प्यास बुझा तो सिद्ध सोलंकी महाराज झारी ले गए और घटाघट पानी पीवी। तो बालपण की अवस्था में हुए तो बाबू निरंजननाथ कवि की कल्पना है कंवर साहब ने झोलिया में लेके बैठ जावे बोले बेटा इना पास दो मिनट है अताई कृष्ण ए बत्ता ग्राम क्या बोलो मारा क्या तू मनिया बता किंगो कंवर लाडलो है और के कही जे तेरो आमीन। सिद्ध सोलंकी देगा बोले महाराज अबलिया धरकायो धरती जेलियो गोमन सिंह कंवर लाडलो हूं अरे शिलो को कंवर कही जे मेरो आमीन। प्यारे सजनों समय की बात है बाबू निरंजननाथ सारी बातचीत कर गए केवण लगा हे बेटा तू जे मेरा क्या क्या पांडा भर देनी तो तन देवता बनाती हूं फिर देवता बोले हां तन दुनिया में बुझाती हूं बोले महाराज की हां बोले जे तू मेरा क्या पांडा भर देनी जना बात है तो श्री श्री सोलंकी महाराज तुम्हें बोलो महाराज ये पाउंडा भरना है तो आगे दिखाओ किसी वांति से बाबू धनंजय नाथ बतावे और क्या अपनी राम सभा सुनी भाई। हे 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 ह
प्यारे सजनों, बाबा तरंगना कंवर साहब ने पानी पा गए कण लग्या बेटा जे तू मेरा किया पाउंडा भर देनी तो तने नाटी को देवता बना दू। अरे बोले नाटी को देवता? बोले हाँ। हे लाला किया पाउंडा ए भरना है? कंवर साहब कहने लगे महाराज बताओ किसा पाउंडा भरना है? बोले ओ आज उन छठे दिन नाटी में आ जाई गोल अरे तेरे संग साथिया ने सागर ले गई। बोले संग साथिया ने साथ में लेने? बोले हाँ। तो कंवर साहब बोले महाराज नाटी रे मैं नहीं? बोले हाँ। आगे की बात सुन तो सही। बोले महाराज नाटी रे मैं ने तो मने भर जोड़ा है। बोले किंगा? बोले महाराज कोई मन तो ध्यान कोई ब्राह्मण बताया कि नाटी में जान को देनो तो इसीलिए हमारी माता साहिब तो पाले और पिता साहब ही बरजे इसलिए मैं नाटी में कोनी आसना। बोलो नहीं बेटा अगर तू मेरे को पांडा भरसनी तो तने नाटी को देवता बना देशू अरे सारी नगरी तने दोपसी अरे साथी वाटी में तेरा थे हुई घर घर गए मायने तेरी धाम बनवा दूंगा। बोले महाराज जी हां। बोले हाँ तन आणो नाटी रे मायने श्री सोलंकी महाराज देगा। बोले तो महाराज नाटी के मायने तो आज जूं पर और आगे के करनो सी तो आगे दिखान बाबू नरंजन नाथ किसी वाते से कवे और क्या सीधी सोलह की महाराज सुने और की आपनी राम सभा सुनी भाई होशियार हो गए भैया। Yeah.
ओ
महाराज की जय हो। प्यारे सजनों, बाबो नरेंद्रनाथ कहने लगा, अरे बेटा बात यहां लगी है, आज से छठे दिन अरे तू नाडी रे मैं नहीं आवेगो, अरे संग साथिया ने सागर ले गई। सिद्ध सोलंकी महाराज देगा, बोले महाराज नाडी में, बोले हाँ, बोले नाडी में आज छठे दिन तने पेणो पीवेगो, अरे पेणे से लिखोड़ी तेरी होते। बोलियो महाराज मन पेणो पीसी, बोले हां। बोलियो महाराज पेणो पीसी जना मैं मर जा छनी, बोलियो जने तो बात है दो, ए बेटा ओ पेणो तो तन पीवेगो निश्चित है, छठे दिन पेणो पीवेगो, अगर तू मेरो केड़ो मान ले नहीं तो तन दुनिया में देवी बना दूंगा। अरे ओ सागी पिणो से घरे पी गयो तो बन जेगो भूत, तू मेरो केणो मान। अरे आज से छठे दिन नाटी में आ जा। अब सजनो सिद्ध सोलंकी महाराज मन में सोचो, जी आपा नाटी में आसा तो अपनी माता को क्या हाल हो सी। बोलियो महाराज मेरी जननी है बार रो रो मर जासी। बोलियो तो यांगरी घरे जाग मना बता दी, जेते अब ही घरे जाग बता दियो नी तो तेरी माता जगी खागे कटा और तेरू पेला मरी जावेगी।
इसीलिए गरे मत ना बताई बोले तो महाराज मनान थोड़ी पे बोले तो यांगरी संग साथिया ने सगे लिया ही संग साथी तेरा सगे होएगा और जना तन पेणो पीसी नी तो तेरा बाबली आसी अटे तेरे बाबो सन बुला लई बानिया के दई सारी बात बन बता दे भई अटे मन समाधि देनी है और गीता को पाठ है जो जोड़िया में रखनो है थोड़ी तले देनो है रेडियो आज की सारी बात आज की थारे पिताजी ने बतावनी है अरे पिताजी तेरे खातर बरगा को चीड़ लेवेगा वो भी ने भी अरे फिटकड़ी लेवेगा तोड़ती बावी ना खाई तो सजनों सिद्ध सोलंकी की माना बाबे जी के पास सारी गुटर गुटर सुन लाग रहा तो सिद्ध सोलंकी की महाराज सारी बात बता के और सांवरियों के वन खंड के मायने रमी अरे भाई सिद्ध सोलंकी की महाराज जी ने मिले देखे अरे लेकिन बाबू नृंगनाथ जगह मिले ही हेला मार ला गयो महाराज एक बार दर्श दिखाओ थारी बोली रो रे गयो महाराज एक बार थोड़ा सा और हो थोड़ी सी बात और कर जा तो सज रहो सिद्ध सोने की महाराज हेला मार दारे जावे लेकिन नरंजन ना तो रमी जावे तो श्री सिद्ध सोने की महाराज रेवण ने ले गए और आपके घरे खानी आवे तो माता भटियाणी कंवर सा को मुख देख के कहने लगी रे बेटा के बसा की बात है तेरे मुख पर उदासी क्यों है तो सिद्ध सोने की महाराज सागी बात नहीं बतावे मन में सोचे हे भगवान के विधि से मैं नाटी में आसू अरे किया हमारे संग साधा ने ले गई ये महाराज इनकी कोई विधि तो बताओ सीधो तो नाण कहते नहीं अब सजनो कभी की कल्पना है माता बटियाणी कहने लगी बेटा तेरे मुख पर उदासी की है और आंखें देख देख सूझ रही है कारण की है अरे तो सीधी सोलंकी महाराज कहने लगे माता रात सताया वन का तुम्हारा नैना मायने अरे अरे संग साथी सारा सोई गया तुम्हें रात नहीं वन खंड के माई नहीं चीता नार लंगूर घना तो और गाजता इसीलिए संग साथी तो बाबरा टापरा बेचारा सो गया नींद आ गई मैं सारी रात पेरो लगायो ए जाग तो इसीलिए मेरे मेणा में नींद है माता बठियाणी कहने लगी हे बेटा ऊंचो डला दियो तने ढोल लियो अरे अरे सोजा सुकड़ेरी सोजा तो माता भटियाणी बालके नहीं बाती लेने ऊंचो मेला के ऊपर ढोलियो डला देवे तो कंवर साहब ने बिछावणो दे देवे लेकिन सजनो नेणा में नींद तो बांगे क्यांगी आवे क्यों जकी बात नरंजन मावे कही बस सागी सागी दिमाग रे मायने चालनी लागरी बस सागी कैसेट चालई ए फिकर बढ़ गयो अब कहने लग्या ए बाबा नरंजन नाथ मन नाडी नाडी के मायने आने की कोई विधि तो बताओ किया मैं नाडी में आशू नहीं तो मारी माता माने आवण कोनी देवे अब सजनो बी डेमरे मायने नरंजन बाबा सिद्ध सोलंकी महाराज री पुकार सुने तो कभी बतावे जमीन का स्रोत चमके बिजली छंट छंट के लोर सालन लागी तो किसी वादे से कभी बतावे और क्या अपनी राम सभा सुनवी देवे वाह वीवा
पैण लग्या लो लोर नारे नाटी है बोलो मैने जिया मालक जाने छुट छुट गेरे चालन लग्या सोलह की राखी जय हो ओंकार जी राजेश राणा।